Hi guys, welcome back to my channel, Makeup Lovers Angel. So, बहुत दिनों के बाद मैं एक मेकअप चैलेंज करने वाली हूँ एंड ऑल अलोन, नो अदर पर्सन विथ मी. सो yes, today I'm going to do only cream products makeup challenge. So I'm sure you guys are so smart. आप सबको पता चल गया होगा कि मैं सिर्फ क्रीम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप करने वाली हूँ, लाइक नो पाउडर कॉन्ट्रोल, नो पाउडर ब्लश एंड नो पाउडर हाईलाइटर एज वेल. सो इट हैज बीन वेरी चैलेंजिंग गाइज एंड दिस इज द आउटकम आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम दिस मेकअप लुक. सो आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड टू नो कि मैंने ये कैसे अचीव किया है. एंड बिफोर दैट, बिफोर यू आस्क मी अबाउट माई कॉन्टैक्ट लेंसेज, दिस ब्यूटिफुल कम्फर्टेबल लेंसेज आर फ्रॉम TTDI. बट अभी फिलहाल के लिए आई नो हम कुछ नहीं खरीद सकते हैं बिकॉज वी आर ऑन कम्प्लीटली लॉकडाउन. दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एंटरटेनमेंट पर्पज गाइज, तो प्लीज उसे इसी तरह ही लीजिए. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, प्लीज सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. सो करंटली आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई फेस राइट नाउ. सो सबसे पहले ऑब्वियसली मैं स्टार्ट करूंगी मॉइस्चराइजर से. सो मॉइस्चराइजर्स यूजुअली क्रीम फॉर्म ही होते हैं, जेल फॉर्म, क्रीम फॉर्म ऐसे ही होता है. लाइक आई हैवंट यूज्ड एनी पाउडर फॉर्म में मॉइस्चराइजर, मे बी होगा. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस वाव सनस्क्रीन बिकॉज इसमें फेस सीरम भी है एंड इट गिव्स मैट फिनिश. यू गाइज नो आई हैव ऑयली स्किन, सो अगर मैं ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करूंगी जो लाइक फॉर ड्राई स्किन होगा या फिर अगर वो मैट फिनिश नहीं देगा तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी गाइज. अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगी प्राइमर. सो प्राइमर्स आर ऑल्सो इन क्रीम फॉर्म्स ओनली. मैं यूज करने वाले लैक्मे एब्सोल्यूट ग्लो परफेक्ट प्राइमर और सिर्फ अपने टी जोन एरिया पर यूज करूंगी. इस प्राइमर का मुझे ये अच्छा लगता है कि इसमें पिंक टिंट भी है, सो जो भी करेक्शन होना होता है वो अपने आप ही हो जाता है. लाइक हम खुद करते हैं, अपने आप तो नहीं होता है, बट या साथ ही साथ वो भी हो जाता है. सो क्वारंटाइन की वजह से तो बहुत लोग बहुत बोर हो गए हैं. बहुत लोग क्या, सभी लोग बोर हो गए हैं, सेम विथ मी. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहोगे तो आप सबको पता चलेगा कि मैं कितना ज्यादा बोर हो गई हूँ. बट ठीक है, इट्स गुड फॉर अस ओनली. नाउ बिकॉज हम पाउडर प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते हैं, सो आई नो आई कांट यूज पाउडर हाईलाइटर जो कि बहुत बीमिंग हाईलाइटिंग देता है और मुझे हाईलाइटेड इफेक्ट बहुत ज्यादा पसंद है. सो इसलिए मैं यूज करने वाली हूँ रेवलॉन स्किन लाइट फेस इल्यूमिनेटर लोशन. इट तो इसलिए मैंने वीडियो लाइक कम नहीं किया है. इनफैक्ट मैं रोज वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दे पाऊँ आप सबको. सो इसीलिए मैं ये सब वीडियोस बना रही हूँ. सो डोंट थिंक कि मैं आपको कुछ भी फोर्स कर रही हूँ कुछ खरीदने के. डेफिनेटली कोई खरीद तो सकता नहीं है इस दौरान बिकॉज इट्स लॉकडाउन, कम्प्लीटली लॉकडाउन. सो आई एम श्योर माई ऑडियंस इज स्मार्ट एंड दे वुड अंडरस्टैंड. वाओ, कैन यू सी द ग्लो. सो नेक्स्ट अब मैं यूज करेंगे फाउंडेशन. आई एम गोइंग टू यूज दिस रेवलॉन कलर स्टे विथ सॉफ्ट फ्लेक्स एंड दिस इज इन द शेड आई गेस डजंट मैटर क्योंकि कोई तो मेकअप करने नहीं वाला है. इन द शेड सैंड बीच. सो काफी टाइम के बाद मैं एक मेकअप चैलेंज, मेकअप लुक आप बोल सकते हो, ऐसे बना रही हूँ. कितने दिनों से सिर्फ फूड चैलेंजेस. सो क्वारंटाइन पीरियड में मुझे ऐसे फील होता है कि आज मुझे रेडी होना चाहिए बिकॉज विदाउट मेकअप एंड लाइक अगर मैं कुछ करूँ ना तो मुझे एकदम लेथार्जिक ऐसी फीलिंग आती है. सो इसलिए गेट अप एंड गेट रेडी. विदाउट पम्प फाउंडेशन की यही प्रॉब्लम होती है. सो गाइज, आप लोग बताओ कि आप सब कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो क्वारंटाइन में. एंड यू नो वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स गाइज, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास. हम लकीली इतना अच्छा लाइफस्टाइल लॉकडाउन होने के बाद भी हम लोग रह रहे हैं. लगता छोड़ा में इतना अच्छे से स्पेंड कर पा रहे हैं ये सब डेज. बट बहुत लोग हैं, बहुत नीडी ऐसे हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं है. जो लाइक डेली वेजेस पर थे उनके पास तो बहुत ही मुश्किल से उनको खाना वगैरह मिल रहा है. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हेल्प देम. एंड अगर थोड़ी थोड़ी भी हेल्प आप सब कर सकते हो अपनी तरफ से तो आई एम श्योर बहुत मदद हो जाएगी और हम अपने लोगों को सेव कर पाएंगे. वी आर डूइंग आवर बिट, आई एम डूइंग माई बिट एंड प्लीज डू दैट. सो फाउंडेशन हैज ब्यूटिफुली ब्लेंडेड. अब नेक्स्ट मैं लगाऊंगी कंसीलर. आई एम गोइंग टू यूज दिस मी ऑन करेक्ट कंसील एंड कॉन्ट्रोल पैलेट. दिस इज इन द शेड 03 डीप. ये एक क्रीम पैलेट है. सो अगर आप मेरा मेकअप ट्यूटोरियल्स देखे रहोगे तो यू गाइज नो आई लव डूइंग पाउडर कॉन्ट्रोल. इट्स वेरी सिंपल, वेरी ईजी. But today we have to do cream contour as well. अभी मैं करेक्शन कर रही हूँ थोड़ा सा बिकॉज आई हैव लॉट एंड लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स गाइस. नींद ही नहीं आती दिन भर. आई कीप ऑन योनिंग कि हाँ चलो रात में अब नींद आएगी, बट रात होती है आई एम लाइक
I don't know मैं आई शेडो कैसे करूंगी. सो आई हैव कलर करेक्टेड माई अंडर आईज. फॉर कंसीलर आई एम गोइंग टू यूज दिस मेबलिन फिट मी कंसीलर. दिस इज इन द शेड 10 लाइट. एक्चुअली इतने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स और एकदम ही लेयर टाइप हो जा गई है. Oh God, my under eyes are like so sticky. So now let's move on. From the same palette, मैं contour भी करूंगी ये दोनों शेड मिक्स करके. और साथ ही साथ में क्रीम ब्लश भी अप्लाई कर लेती हूँ. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस शुगर फेस फॉरवर्ड ब्लश स्टिक इन द शेड 01 कोरल क्लाइमैक्स. दिस इज हाउ इट लुक्स. Wow, I love cream blushes, guys. So eyebrow नहीं किया है तो face एकदम अजीब लग रहा है. So चलो पहले eyebrows fill कर लेते हैं. For that I'm going to use this Pacalia brows cream and I like this brow cream. बस ये थोड़ा सा brownish reddish brownish है. So next let's move on to eyeshadow and I am super duper nervous about it. So I'm going to use the same contour palette और मैं ये वाला shade लेकर अपने crease में place करूंगी. Oh my, I don't know how will it work or no. मेरे सारे ब्रशेस खराब हो रहे हैं. नेक्स्ट मैं अपने आईलेट्स पर यूज करूंगी शुगर का हाइलाइटर स्टिक. दिस इज इन द शेड 03 ब्रॉन्ज एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस ऑन माय लिड. इन माय इनर कॉर्नर्स एज वेल. Wow, I'm just loving the way my eye looks. So next I'll be using a green kajal today. This is from Popul. This is Wind Beneath My Wings in the shade green. Very soft it is. Wow, the eye looks so beautiful, guys. But my eye look is incomplete without a black kajal. So I'm going to use this Stay Quirky Badass kajal in the shade black just in my waterline. So next I'll be using a mascara. I'm going to use this Lakme Iconic Curling Mascara. It's time to highlight my face. I'm going to use the same highlighter stick. Look at how my skin glows, guys. So last is lipstick and I'm going to use one of my favorite lipsticks, guys, is this one. And this is from Popul. This is Playtime Soft Matte Lip Crayon. Never have I ever time 3. Oh my God, guys. मैं जितना भी तारीफ करूँ इस लिपस्टिक की बहुत कम है. It's like amazing. The first is its formulation. The second is its price. Amazing. एकदम high-end brand जैसा है, guys. और इस रेंज में बहुत सारी अमेजिंग शेड्स है गाइस. लाइक लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप ये पहला लिपस्टिक तो खरीद ही लो. दिस कलर लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑन द लिप्स एंड द फॉर्मुलेशन इज अमेजिंग गाइस. लाइक इट्स अ क्रीमिश फॉर्मुलेशन बट इट्स कम्प्लीटली मैट ऑन योर. सो या गाइस, आई एम डन विद द मेकअप एंड दिस इज द फाइनल लुक आई क्रिएटेड विद जस्ट क्रीम मेकअप प्रोडक्ट्स एंड आई एम जस्ट लविंग द आउटकम गाइस. सो डू लेट मी नो कि आपको कैसा लग रहा है ये मेकअप लुक. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सजेस्ट मी सम न्यू मेकअप चैलेंजेस गाइस. आई वुड लव टू डू फॉर यू. आई लव यू all so much. Bye. Mwah.